आज हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। प्रीवियस चैप्टर में हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने एक टॉपिक देखा था इनवर्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर हमें इनवर्स फंक्शंस ही पढ़ने हैं, बट हम कौन से फंक्शंस पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे और उनका इनवर्स पढ़ेंगे। क्लास 11th में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे? साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कोसेक एक्स। इनकी हमने डोमेन, क्योंकि ये फंक्शंस हैं तो ये इनकी डोमेन भी होगी एंड रेंज भी होगी। साइन एक्स की डोमेन क्या है? साइन एक्स में कौन कौन सी हम वैल्यूज डाल सकते हैं? सभी वैल्यूज डाल सकते हैं, रियल नंबर्स आ जाएगा। और इसकी रेंज क्या होती है? कौन सा आउटपुट देता है, कहाँ से कहाँ तक? माइनस वन टू वन। और कॉस एक्स की सेम डोमेन हो जाती है रियल नंबर्स, एंड रेंज क्या होती है? सेम माइनस वन टू वन। टैन एक्स की डोमेन क्या होती है? टैन एक्स की थोड़ा सा नीचे लिख दें इसको, हाँ, रियल नंबर्स माइनस क्या होती है? एक्स, सच दैट एक्स इज इक्वल टू टू एन माइनस वन प्लस वन। टू एन प्लस वन पाई बाई टू, दैट मीन्स पाई बाई टू का ऑड इंटीग्रल, पाई बाई टू का ऑड इंटीग्रल। एन क्या है यहाँ पर? एन कोई भी इंटीजर है। एन क्या है? कोई भी इंटीजर है। ये हमारी क्या होती है? टेन का डोमेन। रेंज क्या होती है टेन की? रियल नंबर्स। क्लियर? कॉट एक्स की क्या होता है डोमेन? इसमें क्या आ जाता है? एक्स, सच दैट एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ पाई। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब कि जैसे कि 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, सारी इंटीग्रल वैल्यूज आएंगी। यहाँ पर क्या आएगा? ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, दैट मीन्स 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2। इस तरीके की वैल्यूज अगर हम रियल नंबर से हटा दें तो जितने भी नंबर्स बचेंगे वो सारे ही हम टेन एक्स में पुट कर सकते हैं, इनपुट की तरह वो सारी वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं। क्लियर? और रेंज में हमें क्या मिलेगा, क्या क्या आउटपुट मिलेंगे? सभी आउटपुट मिलेंगे रियल नंबर्स के अंदर। अब कॉट एक्स में क्या होता है? कॉट एक्स में सारे रियल नंबर्स डाल सकते हैं, बस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं डाल सकते हैं। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं डाल सकते क्योंकि वहाँ पर क्या होता है? कॉट एक्स नॉट डिफाइन होता है। क्लियर? तो ये आ गया। तो एन क्या है यहाँ पर? एन कोई इंटीजर है। क्लियर? आपको पता है ना कि जो टेन एक्स होता है वो कहाँ पर इनफाइनाइट होता है? कहाँ पर इनफाइनाइट होता है? 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड होता है ना। अब 90 डिग्री कैसे आएगा? अगर हम n की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो डाल दें तो 2 मल्टीप्लाई 0, 0 प्लस 1, तो 1 मल्टीप्लाई पाई बाई टू, पाई बाई टू आ जाएगा। पाई बाई टू कितना होता है? 90 डिग्री। पाई बाई टू कितना होता है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे टेन एक्स डिफाइन नहीं होता है, इनफाइनाइट हो जाता है ना, इसलिए हमने इतना इसको सब्ट्रैक्ट किया है। जैसे ये पाई बाई टू पे इनफाइनाइट हो जाता है, वैसे ही 3 पाई बाई 2 पे हो जाएगा, 5 पाई बाई 2 पे हो जाएगा और 7 पाई बाई 2 पे हो जाएगा। इसलिए ये सारी वैल्यूज पे टेन एक्स डिफाइन नहीं होता है, इसलिए ये सारी वैल्यूज इसकी डोमेन में नहीं आती हैं, हटा देते हैं रियल नंबर्स में। सेम फॉर ये कॉट एक्स, कॉट एक्स में इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, इन वैल्यूज पे कॉट एक्स, ये कॉट एक्स फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। ये सारी चीज़ें हमने क्लास 11th में पढ़ी हुई हैं। इसकी रेंज क्या होती है? आर, सिर्फ आर। अब सेक एक्स देखो, सेक एक्स में भी सेम यही होता है। सेक एक्स में भी रियल नंबर माइनस एक्स, सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n+1 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, वेयर n इज सम इंटीजर। और इसकी वो क्या हो जाती है रेंज?
रियल नंबर्स में से हम अगर माइनस वन और वन को हटा दें तो जो भी बचते हैं नंबर्स वो हमारी इसकी रेंज में आ जाते हैं। अब कॉस एक्स की देखते हैं, कॉस एक्स का क्या हो जाता है, कॉस एक्स के लिए ये हो जाता है, जो कॉट एक्स की डोमेन है सेम डोमेन कॉस एक्स की होती है। एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई वेयर एन इज सम इंटीजर, और इसकी डोमेन भी क्या हो जाती है, क्लियर। तो ये थे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जो हमने क्लास 11th में पढ़े हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है, ये इनकी डोमेन है और ये इनकी रेंज है। अब हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, क्लियर। तो पहले ये रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इनवर्स फंक्शंस में क्या पढ़ा था, क्या कंडीशन थी, इसको नोट कर लो। तो अब हम लोग इनवर्स फंक्शंस हम लोग ने क्या पढ़ा था वो देख लेते हैं। इनवर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट करते हैं, किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब फंक्शन 1-1 होगा और जब फंक्शन ऑन 2 होगा तभी किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्लियर। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का भी इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस या तो 1-1 हो या ऑन 2 हो, क्लियर। अब जरा साइन एक्स पे आओ, कोई भी फंक्शन 1-1 है या मैनी 1 है इसको चेक करने के लिए हमने एक टेस्ट पढ़ाया था। कौन सा टेस्ट पढ़ाया था, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कि कोई भी हमें फंक्शन चेक करना है कि वो 1-1 है या मैनी 1 है तो उस फंक्शन का ग्राफ बनाओ और फिर हॉरिजॉन्टल लाइन उस पर क्या करो, ड्रॉ करो और चेक करो। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रही है तो मतलब कि वो फंक्शन कैसा है, मैनी 1 है। अगर सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है मतलब कि फंक्शन 1-1 है, ये पता है हमको, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब जरा देखो कि अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करें तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो साइन फंक्शन को बहुत सारे पॉइंट्स पे कट कर रही है तो ये फंक्शन कैसा है, साइन एक्स फंक्शन कैसा है, मैनी 1 है, मैनी 1 है, कैसा है, मैनी 1 है। तो क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं करना चाहिए, नहीं करेगा। अगर इसको डिफाइन करें हम रियल नंबर्स में, इसकी डोमेन जो है वो अगर हम पूरी लेकर चले रियल नंबर्स, मतलब कि ये पूरी नंबर लाइन, ये पूरा एक्स जो एक्सिस है इसको पूरा लेके चले तो साइन एक्स कैसा फंक्शन है, मैनी 1 है, तो इनवर्स फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। बट अगर हम ये रियल नंबर लेके ना चले, ये जो इसकी डोमेन है वो पूरा एक्स एक्सिस ना ले, थोड़ा सा कंस्ट्रेंट कर दे, मतलब कि सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ले, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ले, ये कौन सा पॉइंट है, -π/2। -π/2 पे साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, -1, ठीक है। और ये कौन सा पॉइंट है, π/2। π/2 पे साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1, क्लियर। तो देखो अगर हम ये पूरा इस साइड वाला फंक्शन और इस साइड वाला फंक्शन हटा दें, सिर्फ इतना पार्ट रखें, तो ये दिख रहा है, ये कहीं पर भी अगर इस पर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करें तो एक ही पॉइंट पे कट करेगा, तो ये कैसा फंक्शन बन गया, 1-1, क्लियर। तो अगर हम देखो सिर्फ यहाँ पर इसको अगर कंस्ट्रेंट कर दें, इसी तरीके से हम सिर्फ यहाँ से यहाँ तक कंस्ट्रेंट कर दें अगर, तो भी 1-1 बन जाएगा। ये कौन सा पॉइंट है, 3π/2, है ना, और फिर ये वाला पॉइंट आ जाएगा, तो इसमें भी कंस्ट्रेंट कर सकते हैं, किसी भी एक पार्ट पे कंस्ट्रेंट कर दो इसको, या फिर यहाँ से यहाँ तक कर दो, π/2 से 3π/2, दिख रहा है 1-1 बन जाएगा। तो इसको थोड़ा सा क्लियर करके तब दिखाएं, अब बन जाने दो, 15 मिनट पढ़ा देंगे हम, 15 मिनट में हम तुम्हें आधा चैप्टर पढ़ा देंगे, चिंता मत करो। कुणाल ऑन नहीं है, अब
देखो ये हमने क्या किया, कंस्ट्रेंट कर दिया डोमेन को थोड़ा सा। अब ये कौन सा पॉइंट है, पाई बाई टू, और ये कौन सा पॉइंट है, माइनस पाई बाई टू, और ये कौन सा पॉइंट है, वन है, और ये माइनस वन। क्लियर? तो हमने देखो क्या किया, डोमेन को ही कम कर दिया, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक। अब जो साइन, ये है तो साइन एक्स फंक्शन ही, साइन का फंक्शन ही है, बट क्या है, कंस्ट्रेंट कर दिया है हमने, जो डोमेन है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इतने में ही ग्राफ बनाया। अब हमारा फंक्शन, अब हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे, तो अब हमारा फंक्शन कैसा है, वन वन है। क्लियर? तो इसका फंक्शन एग्जिस्ट, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा जब साइन एक्स का डोमेन, जब साइन एक्स का डोमेन माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू में रिस्ट्रिक्ट है, तो क्या होगा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और रेंज क्या हो जाएगी, इसकी रेंज तो सेम ही रहेगी, माइनस वन टू वन। ठीक है, तो ये तो साइन एक्स फंक्शन है। क्लियर? अब हमें देखना है इनवर्स फंक्शन में क्या होता था, एक्चुअली में इनवर्स फंक्शन कैसे आता है। ये तो हमें पता चल गया कि इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करने की कंडीशन क्या है, वन वन और ऑन टू। क्लियर? तो ये तो हमारा क्लियर हो गया कि ये फंक्शन कैसा हो गया, वन वन हो गया, और डोमेन को हमने क्या किया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। और ये तो को डोमेन था ही हमारा, माइनस वन माइनस वन टू वन, तो ये वन वन ऑन टू हो गया। अब देखो इनवर्स फंक्शन में क्या होता था, क्या बोल रहा, पाई मतलब हाँ हाँ पाई पे भी तो जीरो होता है। तो इनवर्स फंक्शन हमने कैसे डिफाइन किया था, कोई फंक्शन है जो कि ए टू बी डिफाइन है, ए टू बी डिफाइन है, और हमें इसका इनवर्स निकालना है, तो एफ इनवर्स क्या हो जाता है, बी टू ए। अगर कोई फंक्शन है ए टू बी, तो उसका इन्वर्स क्या हो जाता है, बी टू ए। अगर एफ का जो डोमेन है वो ए है, तो एफ इन्वर्स का डोमेन क्या हो जाएगा, बी। तो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो ये अगर जी है, ये अगर जी है, तो क्या हो जाता है, डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी इक्वल होता है रेंज ऑफ एफ के। जो नॉर्मल जो हमने फंक्शन लिया है, जो हमारा बेसिक फंक्शन है जिसका इनवर्स हमें निकालना है, उसकी रेंज बन जाती है उसके इनवर्स की डोमेन। क्लियर? जो फंक्शन, जिस फंक्शन का इनवर्स हमें फाइंड करना है, उसकी रेंज वाला सेट, उसका कोडोमेन वाला सेट या रेंज वाला सेट हमारा क्या बन जाता है, डोमेन, इनवर्स फंक्शन का डोमेन बन जाता है। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ एफ, जो हमारा बेस फंक्शन है उसकी रेंज बन जाती है इनवर्स फंक्शन की डोमेन। क्लियर? और क्या होता है, जो रेंज होती है इनवर्स फंक्शन की, इनवर्स फंक्शन की जो रेंज होती है वो किसके इक्वल होती है, बेस फंक्शन के डोमेन के इक्वल। ठीक है, क्लियर? ये समझ में आया, जिस फंक्शन का हमें इनवर्स फाइंड करना है उसका रेंज वाला सेट बन जाता है इनवर्स फंक्शन का डोमेन, और उसका डोमेन वाला सेट बन जाता है इनवर्स फंक्शन का रेंज। उल्टा हो गया, स्वाइप हो गए, रेंज और डोमेन क्या हो गए, स्वाइप हो गए इनवर्स फंक्शन में। तो साइन एक्स में भी यही होगा। और भी हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी इनवर्स फंक्शन की, कि अगर हम किसी फंक्शन का कंपोजिशन करेंगे उसके इनवर्स के साथ, तो एक आइडेंटिटी फंक्शन आता है। लिख के बताएं, देखो क्या मतलब है इसका, अगर हम किसी इनवर्स फंक्शन का, उसके जिसका इनवर्स लिखा है उसी फंक्शन के साथ कंपोजिशन करते हैं, कंपोजिट फंक्शन लिखा है, ये इनवर्स फंक्शन के अंदर जिसका इनवर्स है वही फंक्शन हमने डाल दिया है, तो क्या मिलता था हमको,
आइडेंटिटी फंक्शन मिलता था एफ ऑफ एफ, ठीक है, एफ इनवर्स ऑफ एफ, एफ इनवर्स ऑफ एफ करते हैं तो क्या आता है, एफ इनवर्स के अंदर हमने क्या इनपुट किया, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स मिलता है, अभी बताएंगे। और अगर एफ ऑफ एफ इनवर्स निकालेंगे, एफ ऑफ एफ इनवर्स निकालेंगे मतलब कि एफ फंक्शन जो है उसके अंदर उसका इनवर्स डाल दें, जो एफ फंक्शन है उसमें उसका इनवर्स पुट कर दें तो भी हमें क्या मिलेगा, ये आइडेंटिटी फंक्शंस हो गए। तो ये याद रखना, अभी जब साइन एक्स का कराएंगे ना तब क्लियर होगा कि जब हम कंपोजिशन करते हैं किसी फंक्शन का उसके इनवर्स के साथ तो हमें आइडेंटिटी फंक्शंस मिलते हैं, ये याद रखना। चलो अब साइन एक्स का इनवर्स निकालते हैं। तो अब हमने देख लिया, हमने क्या किया, साइन एक्स की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो अब साइन एक्स की डोमेन क्या हो गई, डोमेन क्या थी साइन एक्स की, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ठीक है। तो ये तो हमने एक पॉइंट लिया है, एक जो सबसे पहला वाला था वो लिया है, हम इसकी जगह पे और क्या क्या ले सकते हैं, माइनस थ्री पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, और हम ले सकते हैं पाई बाई टू टू थ्री पाई बाई टू। देखो यहाँ इसमें भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, हमने दिखाया था ना अलग अलग पोर्शन में रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, या तो इसमें रिस्ट्रिक्ट कर लो, या तो इसमें रिस्ट्रिक्ट कर लो, या फिर तो अभी जस्ट हमने बताया कि इनवर्स फंक्शन में क्या हो जाता है, रेंज बन जाती है डोमेन, और डोमेन बन जाती है रेंज। तो क्या हो जाएगा, ये डोमेन हो जाएगी हमारी माइनस वन टू, माइनस पाई बाई टू एंड पाई बाई टू टू थ्री पाई बाई टू, क्लियर। तो ये साइन इनवर्स की डोमेन हो गई, और ये तीन पॉइंट्स रेंज हो गई। इस वाले पॉइंट को, ये वाला जो रेंज होता है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। तो कोई एक ही आएगा रेंज में, कोई एक ही आएगा, तीनों नहीं आएंगे, ठीक है, क्लियर। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं, तो साइन एक्स का ग्राफ जो हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था वो कैसा बनेगा, पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, और ये आ जाएगा आपका वन, और ये आ जाएगा माइनस वन। अब हमें इसका इन्वर्स करना है, ये तो साइन एक्स का ग्राफ है, हमें साइन इन्वर्स का बनाना है। कैसे बनेगा, दोनों एक्सिस चेंज हो जाएंगे, क्योंकि डोमेन और रेंज चेंज हो गए हैं तो एक्सिस चेंज हो जाएंगे। जो वैल्यूज़ हम एक्स एक्सिस में डाल रहे थे वो वैल्यूज़ हम वाई में डालेंगे, और जो वाई में डाल रहे थे वो एक्स में डालेंगे, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, उल्टा हो जाएगा इस तरीके का बनेगा, ये देख लो ऐसे ही बनेगा, दिखाना जरा, कंफर्म कर लो ऐसे ही बनेगा, ये हमें कॉस का लग रहा है, सही तो बनाया है, सही है। तो ये आ जाएगा आपका कॉन्सेप्ट वैल्यू,
प्लस वन और ये आ जाएगा आपका माइनस वन और ये आपका पॉइंट आ जाएगा पाई बाई टू एंड दिस इज माइनस पाई बाई टू। क्लियर, ग्राफ क्लियर हो गया साइन एक्स और साइन इनवर्स का। तो कल हम लोग क्या करेंगे, बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन